दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत अलग अलग धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम है। यहाँ हर धर्म और भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश के गांवों में एक बहुत पुरानी कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। यानी यह एक ऐसा देश है जहाँ कुछ किलोमीटर पर ही लोगों के रहन सहन, भाषा, संस्कृति में बदलाव नजर आता है। इतनी सारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं के बावजूद हम सभी भारतवासी एक संविधान और एक झंडे को सलामी देते हैं। दोस्तों, आज मैं इतनी सारी विविधताओं से भरे अपने प्यारे देश भारत के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भले ही हम अपने देश को भारत कहते हो, लेकिन असल में हमारे देश का पूरा नाम भारत गणराज्य है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। दुनिया के नक्शे पर हमारा देश साउथ एशिया में मौजूद है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो इस मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश की आबादी लगभग 138 करोड़ हो चुकी है और अगर हमारी जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राष्ट्रीय फूल कमल है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप सोच रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है, जो देश के कई राज्यों में बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा है। इसका प्रयोग भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के साथ मानक भाषा के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा भारत में 1652 बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहासकारों के अनुसार भारत की सभ्यता बेबीलोन, ग्रीक और मेसोपोटामिया से भी पहले की है। यहाँ विश्व के कई प्राचीन स्थल और इमारतें मौजूद हैं। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जिसके बिना बड़े से बड़ा मैथमेटिकल सवाल सॉल्व करने में लोगों को पसीने छूट जाते थे। इसके अलावा उन्होंने पाई का सबसे शुद्ध मान 3.1416 भी बताया था। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि अलजेब्रा की खोज भी भारत में ही हुई थी। सन 628 ईस्वी में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक गणित की रचना की थी, जिसे बाद में बीजगणित नाम दिया गया। यहाँ से बीजगणित अरब देशों में गया, जहाँ सन 825 ईस्वी में अल ख्वारिज्मी नामक गणितज्ञ ने इसमें कुछ बदलाव करके इसका नाम अलजेब्रा रख दिया। तब से आज तक हमें यही पढ़ाया जाता रहा है कि अलजेब्रा की खोज अरब देशों में हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके एक दो नहीं बल्कि 9 नाम है, जिनमें सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम हिंदुस्तान, भारत, हिंद और इंडिया है। इसके अलावा अलग अलग समय काल में इस देश को आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष और हिंदुस्तान इत्यादि नामों से भी संबोधित किया जाता रहा है। दोस्तों, जब 5 से 7 हजार साल पहले दूसरे देशों में मौजूद सभ्यताएं अभी भी अपने विकास के शुरुआती दौर में थी, तब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के शिखर पर पहुंच चुकी थी। आज भले ही हम विकासशील देश कहलाते हों, लेकिन एक समय हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त हमारे देश में मौजूद रहा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां पूरे विश्व से लाखों विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। दोस्तों, यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान में मौजूद है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 साल पर करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना नेता चुनते हैं, जो संसद और विधानसभा में बैठकर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। दोस्तों, शतरंज खेल की शुरुआत भी हमारे ही देश में हुई थी। यहाँ तक कि हमारे बचपन का सबसे फेवरेट खेल सांप सीढ़ी को भी भारत में ही सबसे पहली बार खेला गया था। यह खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप औगुणों को दर्शाते थे। पहले इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था, लेकिन समय के साथ इस खेल में कई बदलाव किए गए। दोस्तों, भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। इसके अलावा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मुगल इत्यादि शासकों ने भारत की इसी संपन्नता को लूटने के इरादे से हमारे देश पर कई बार हमले किए। दोस्तों,
चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की सीमाएं पूर्व में अखंड बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, और पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। दोस्तों, हमारा देश भारत में ही आकर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया था। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता था, उसे किसी ने नहीं हराया था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि मगध की विशाल सेना देखकर उसके सैनिक डर गए थे और पंजाब से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए, जिस कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और लौटते वक्त छोटे छोटे कबीलों से युद्ध में उसे तीर लगा, जो उसकी मौत का कारण बना। दोस्तों, भले ही इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता बताते रहे हों, लेकिन हमारे देश में ही सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और बाजीराव पेशवा जैसे वीर शासक भी हुए हैं, जिन्हें एक भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों को ये बताते हुए शर्म आती है, इसलिए वो हमारे इतिहास की किताबों को सिकंदर और मुगल जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के गुणगान से भरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुंग फू की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आप यकीनन चीन का नाम लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का कुंग फू हमारे देश की ही देन है। जी हाँ, सही सुना आपने, कुंग फू की शुरुआत भारत में ही हुई थी। 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजकुमार बोधिधर्मन चीन गए थे। वहाँ उन्होंने शाओलिन नामक जगह पर अपना निवास बनाया था। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को भी कुंग फू सिखाया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने वहाँ पर शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। आज भी शाओलिन टेम्पल में बोधिधर्मन की मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे शर्ट में लगाए जाने वाला बटन, शैंपू, रूलर इत्यादि चीजों का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। इसके अलावा हमारे देश में ही पहली बार मोतियाबिंद की सर्जरी की गई थी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन द्वारा प्रसव, कटे अंग जोड़ना, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की थी। दोस्तों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विख्यात स्मारक की बात की जाती है, तो लोग ताजमहल का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनकी बनावट और वास्तुकला के आगे ताजमहल भी कुछ नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 276 फीट ऊंचा यह मंदिर सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने किसी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की तरफ बनते देखा होगा, लेकिन कैलाश मंदिर दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर उस समय भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। इसके अलावा विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल शासक राजा राज चोल ने केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित करवाया था। दोस्तों, ये तो थी भारत के गौरवशाली इतिहास से संबंधित बातें, लेकिन आधुनिक भारत की उपलब्धियां भी किसी मायने में कम नहीं है। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना से। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इन सब के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10,000 सालों में भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने शांति प्रिय हैं। दोस्तों, भारत में हर 12 साल पर एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 2019 में प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था। उसमें भी 30 जनवरी 2019 को लगभग 2.25 करोड़ लोग संगम के तट पर स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। पूरे विश्व में या किसी भी धार्मिक समूह द्वारा एक ही दिन में एक ही जगह पर सबसे ज्यादा एकत्रित हुए लोगों की संख्या थी। यह अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, लखनऊ का द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में तकरीबन 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप जानते थे इस बात को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हीरे का खनन भी सबसे पहले भारत में ही शुरू हुआ था, या यूं कहें कि दुनिया को हीरे के बारे में भारत ने ही सबसे पहले बताया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत ही हीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में ही रहता है। यह परिवार मिजोरम के बक्तवांग गांव में 100 कमरों के 4 मंजिला घर में रहता है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चाना है। उन्होंने 39 शादियां की हैं। उनके परिवार में 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां हैं। कुल मिलाकर इस परिवार में 181 सदस्य हैं। दोस्तों, आज भारत स्पेस में भी एक सुपर पावर बनकर उभरा है। आज भारत के रॉकेट एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे
कि जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था तब उस रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रखकर ले जाया गया था। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भी भारत में ही है। भारत के मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिन राम नामक जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था भी भारत में ही है। भारत में करीब 1,55,000 से भी ज्यादा डाकघर है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। यह पोस्ट ऑफिस पहाड़ों पर 4,440 मीटर की ऊंचाई पर हिक्किम गांव में स्थित है। और मजेदार बात यह है कि यहां पोस्ट भेजने के लिए डाकिया की नहीं बल्कि लोकल लोगों की मदद ली जाती है। इस डाकघर और गांव तक पहुंचने के लिए 2 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी भारत में ही है। यहां ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। बॉलीवुड में हर साल औसतन 1,000 फिल्में रिलीज होती हैं। इसके अलावा देश के अन्य कई राज्यों के भी अपने अपने फिल्म इंडस्ट्री हैं, जहां फिल्मों का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भी है। इसके अलावा हमारा देश केले और अभ्रक के एक्सपोर्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित है। यह स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 7500 फीट ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, भारत एक जवान देश है। इसकी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा 25 साल से कम और 2/3 35 साल से कम आयु वर्ग का है, जो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, भारत के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं आज यही खत्म करता हूँ। अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।